वेलकम टू न्यू लेसन। तो अभी तक आप YouTube एड्स की काफ़ी सारी सेटिंग समझ चुके हो, अलग अलग ऑडियंसेस कौन सी होती हैं आप वो भी समझ चुके हो। सो इससे पहले कि हम YouTube एड्स रन करना स्टार्ट करें, कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो या रन करना चाहते हो। पहली चीज़, हम YouTube एड यूज करेंगे अपने चैनल को इनिशियल ट्रैक्शन देने के लिए, इनिशियल एक रीच देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बट आपको नई एड कब स्टार्ट करनी है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब ज्यादातर लोग जो YouTube एड रन करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें एड रन कब करनी है, है ना। कब एड रन होगी, क्या पहली वीडियो से एड रन कर दें या तीसरी वीडियो से एड रन स्टार्ट करें या चौथी वीडियो से एड रन करना स्टार्ट करें। देखो, आप अगर YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हो थ्रू YouTube एड्स इनिशियली, तो एट लीस्ट इससे पहले कि आप YouTube एड रन करना स्टार्ट करो, मेक श्योर कि आपके चैनल पे 15 से 20 वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है जी, कितनी वीडियोस? एटलीस्ट 15 से 20 वीडियोस आपके चैनल पर डली हुई हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों आपको फर्स्ट वीडियो से एड रन नहीं करनी, क्यों आपको एटलीस्ट 15 से 20 वीडियोस बनानी है इससे पहले कि आप एड रन करना स्टार्ट कर सको। देखो, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। सपोज करो आपने अपना चैनल बनाया और आपने पहली वीडियो डाली और आपने एड रन कर दी, है ना। अब कुछ ऑडियंस होगी जिसको आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। अब YouTube करता क्या है, अगर आप किसी चैनल की वीडियो देखते हो तो YouTube उसी चैनल की बाकी वीडियोस आपको रेकमेंड करता है, उसी चैनल की काफी सारी वीडियोस आपको नीचे सजेशन में आती है ना। आपने ध्यान दिया हो अगर कभी, आप देखना, आप किसी के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो नीचे सजेशंस में आपको उसी चैनल की 2-3 वीडियो दिखेंगी। प्लस अगर आप किसी की अच्छी वीडियो, अच्छी खासी वीडियो देख लोगे तो उसके जब आप अपनी फीड पे जब आप जाओगे, है ना, जब आप अपनी फीड पे जाओगे तो आपको उसी चैनल की वीडियोस क्या होती हैं, रेकमेंड, राइट। अब अगर आपके चैनल पे मान लो वीडियो ये एक, ठीक है, तो अब कैसे सजेशन में आएगी वीडियो, रेकमेंडेशन में कैसे आएगी, आई नहीं सकती ना। अब नहीं आएगी तो होगा क्या, आपको लॉस होगा, है ना। अब देखो, जब भी आप एड रन करते हो तो एक तो हो गया पेड व्यू, है ना, एक जो आप एड रन कर रहे हो उससे पेड व्यू आ रहा है, और दूसरा व्यू होता है जो बहुत ज्यादा आता है वो है सजेस्टेड व्यू, कि आपकी वीडियो सजेस्ट की यूट्यूब ने और आपको उस पे व्यू मिला, राइट। अब अगर आपके चैनल पे वीडियो ही एक है तो ये सब तो हो ही नहीं सकता, ना सजेशन में आओगे ना रिकमेंडेशन में आओगे, राइट। तो इससे लॉस किसका है, इससे लॉस है आपका। इसीलिए मेक श्योर कि हमेशा आपके चैनल पे 15 से 20 वीडियो डली हुई है इससे पहले कि आप एड रन करना स्टार्ट करो। और मान लो 15 से 20 वीडियो डली है तो अब इसका फायदा क्या होगा, मान लो किसी ने आपकी पहली वीडियो देखी, ठीक है, अब उस आपकी और वीडियो से रेकमेंड होगी और रेकमेंड होगी। अब मान लो इन सारी वीडियोस का जो कंटेंट है, जैसे हमने बात कर रखी है, वो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, तो होगा क्या, वो बंदा, वो यूजर जो भी आपकी वीडियो देख रहा है उसको आपके चैनल पे क्या होगा, ट्रस्ट, चैनल पे नहीं उसको आप पे ट्रस्ट होगा, वो समझ जाएगा कि भैया ये जो बंदा है, ये जो क्रिएटर है, ये जो वीडियोस दे रहा है बंदा, ये सही में नॉलेजेबल है ना, इसे सही में अपने फील्ड की नॉलेज है, ये सही में एक एक्सपर्ट है। और जब वो ये रियलाइज करेगा तब वो बंदा क्या करेगा, मे बी आपकी कंसल्टिंग सर्विस ले, है ना, मे बी आपके से कोर्सेस हैं या और भी जो भी चीजें हैं जो भी आप सेल कर रहे हो, है ना, और प्राइवेट मीटिंग से जो भी आप बेच रहे हो वो चीजें वो खरीदेगा। जब तक ये नहीं होंगी तब तक वो आपसे बिजनेस नहीं करेगी,
ठीक है। तो इससे पहले कि आप कोई भी एड रन करो, मेक श्योर कि आपके चैनल पे वीडियोस डली हैं 15 से 20, ठीक है। अब अगला सवाल है कि YouTube वीडियोस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। देखो, जब मैंने अपनी इनिशियल वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मैं दो टाइप की वीडियोस बनाता था। एक तो मैं बनाता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिसमें मैं वेबकैम के थ्रू मेरे फेस भी नजर आता था, और एक मैं बनाता था आपका जिसमें मैं खुद ही सेल्फी टाइप लेके मैं बनाता था, सेल्फी टाइप मतलब मैं क्लिक करता था, वीडियो बनाता था, एक ट्राइपॉड पे रख के मैं वो वीडियो शूट करता था ना, सिंपल वैसे मैं करता था। तो आप चाहो, अगर आपका एजुकेशनल चैनल है तो आप सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वेबकैम के थ्रू आप वीडियो बना सकते हो। मैं एक क्रोम एक्सटेंशन है जो मैं यूज करता हूँ, अभी भी यूज करता हूँ। इनफैक्ट आप जितने कोर्स की वीडियोस देख रहे हो वो सब मैंने उसी पे बनाया है, वो है लूम क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है जी। लूम है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप लूम का क्रोम एक्सटेंशन जो है वो यूज कर सकते हो। और अगर आप फोन से बनाना चाहते हो तो अगेन आपका सिंपल फोन होना चाहिए, और आप एक माइक और सिंपल एक ट्राइपॉड लेके आप उससे शूट कर सकते हो। अगर थोड़ी लाइट्स होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो एक आप घर में थोड़ी ज्यादा वॉट की LED लगा लेना, उससे भी काम बन जाएगा, राइट। और जो मैं माइक वगैरह यूज करता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आपको लेना होगा तो आप वहां से ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। सो मेक श्योर कि 15 से 20 वीडियोस आपके चैनल पे हैं, जब तक ये ना हो तब तक आपको कंटेंट नहीं बनाना। और कंटेंट रिसर्च करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे आपको आइडियाज लेने हैं, कैसे चैनल्स पे जाके आपको देखना है, और उनका जो टॉप कंटेंट है या बाकी कंटेंट है वहां से आपको ढूंढ के उसके हिसाब से आपको वीडियोस बनानी है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।